सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटराजी स्कूल। नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। शहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं पुष्पा। बढ़ेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। बुधवार की रात कार्तिक अमावस्या को नगर में लोगों ने पटाखों के धूम धड़ाके और लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना के साथ मनाई दीपावली। कार्तिक अमावस्या की रात नगर के कई स्थानों पर बंगाली समाज के लोगों ने किया काली पूजन, अन्य समुदाय के लोगों ने भी की मां काली की पूजा अर्चना। भगवान चित्रगुप्त पूजा को लेकर तैयारी पूरी, शुक्रवार को कायस्थ समाज के लोग नगर के कई स्थानों पर करेंगे चित्रगुप्त पूजा। और बुधवार की रात अहियापुर के कोलुआ गांधी नगर में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को कार्तिक अमावस्या के अवसर पर नगर में दीपावली मनाने की धूम रही। घर घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना के बाद पटाखों की धूम धड़ाके के साथ प्रकाशोत्सव मनाया गया। जिला में धूमधाम से दीपावली पूजा मनाई गई। पूरा शहर रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई थी। एक तरफ पूरे शहर में आतिशबाजी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर दुकानों और आवास पर लक्ष्मी गणेश पूजन की जा रही थी। लोग अपने घरों में इलेक्ट्रॉनिक बल्बों के साथ मिट्टी दीपों से अपने घरों को रोशन कर रखी थी। साथ ही घरों के मुख्य द्वार पर रंग बिरंगी रंगोली बनाई गई थी। घरों और दुकानों में पूरे वैदिक मंत्रों के साथ लक्ष्मी गणेश पूजन की गई। दरअसल दीपावली में लक्ष्मी गणेश पूजन व्यवसायियों के लिए खास महत्व रखता है। इस दिन व्यवसायी अपने प्रतिष्ठानों के अलावे घरों पर भी लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने भी अपने घर लक्ष्मी गणेश की पूजन की। अहियापुर थाना क्षेत्र के कोलुआ गांधी नगर रोड नंबर 2 के समीप अज्ञात अपराधियों ने कोलुआ निवासी राकेश कुमार को गोली मार दी। अहियापुर थाना क्षेत्र के कोलुआ गांधी नगर रोड नंबर 1 के समीप अज्ञात अपराधियों ने कोलुआ निवासी दुन्ना प्रसाद गुप्ता के पुत्र 22 वर्षीय राकेश कुमार को गोली मार दी। अपराधियों ने घटना को तब अंजाम दिया जब राकेश कुमार बैरिया से अपने घर लौट रहे थे। घायल राकेश के गर्दन में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल राकेश ने बताया कि घर जाने के क्रम में किसी ने उसे गोली मार दी। कल दीपावली था, उधर से मोहल्ला में लौट रहे थे। मोहल्ले से कुछ लड़का सब झगड़ा कर रहा था, इसने गोली चलाया, इसके बगल में फोड़ कर लग गया। हमें पुराना विवाद हुआ था, कभी घटना है ये रात 8:30। क्या वो लड़का लोग ये हुआ था क्या? ड्रिंक किया था सब। और राय थाना क्षेत्र के सुंदर खौली गांव में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर असामाजिक तत्वों ने वार्ड सदस्य के घर पर हमला कर फायरिंग की। और राय थाना क्षेत्र के सुंदर खौली गांव में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने बुधवार की देर रात वार्ड सदस्य अशोक पासवान के घर पर हमला कर कई राउंड फायरिंग की। हालांकि फायरिंग से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया। इस मामले में वार्ड सदस्य अशोक पासवान ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। हम जब घरे थे तो हमको जाति सूचक लेकर के, यानी कि दुसार बन गया वार्ड नंबर फन्ना चिन्ह दुनिया जहां कर करके नेता बनता है, इसके संबंध में आकर के और हमको घर से खींचने की मतलब पूरा कोशिश किया। जैसे जो घर से बाहर निकलो, इसको गोली मारो, फन्ना करो, चिन्ह करो, और हमारे घर की ओर 4-5 फायरिंग की। 4-5 फायरिंग करने के समय में हम लोग सारे के सारे अपने घर से बाहर निकल करके और हम गली की ओर भाग चले, मतलब बच्चा उच्चा सारे के हम निकाल दिए घर से, जो कहीं हो सकता है तो हमें मतलब हो सकता अगर बच्चों पकड़ा जाएगा तो उसको मार देगा। हमें ये भय था जो हम क्या करें नहीं करें, हमको सोच में पड़ गए। हम किसी को कहने लायक नहीं थे, हम सोचे जो बाहर निकल के किसी को कहते भी है तो हमको गोली मार देंगे। बुधवार की शाम सदर थाना क्षेत्र के बीवीगंज के समीप एक ट्रक ने साइकिल सवार को रौंद दिया। इस हादसे में चिकनौटा निवासी मुकेश कुमार की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई।
सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज के पास एक ट्रक ने इंडियन स्कूल के कर्मचारी मुकेश कुमार को रौंद दिया। इस हादसे में घायल मुकेश कुमार को आनंद फानंद में इलाज के लिए एसकेएमसीएच में ले जाया जा रहा था, परंतु रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बुधवार की शाम स्कूल से घर लौटने के क्रम में करजा थाना क्षेत्र के चिकनौटा ग्राम निवासी मुकेश कुमार के दुर्घटना के शिकार होने की मिली सूचना पर सदर थाना पुलिस ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रक को जब्त कर लिया और घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। हमको पता चला शाम को 5:30 बजे की आपका भाई एक्सीडेंट हो गया, जब वहाँ पहुँचे हम तो वहाँ ट्रक से जो है धक्का लगा था, वहाँ थाना सदर थाना जो है वो क्या किए जब उठा के मेडिकल पहुँचा, यहाँ आके डेथ कर दी। क्या ट्रक पकड़ाया गया? फरार हो गया, पकड़ाया हुआ है सदर थाना में। नंबर भी है, क्या नाम था उनका? मुकेश कुमार। नगर थाना क्षेत्र के बालूघाट मोहल्ले में बच्चों द्वारा की जा रही आतिशबाजी के क्रम में दो पक्ष के बड़ों के बीच विवाद हुआ। इस क्रम में एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। बुधवार की रात दिवाली मनाने के क्रम में आतिशबाजी करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। इस विवाद में एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर प्रशांत कुमार मिश्रा को घायल कर दिया। धारदार हथियार से हमले में घायल प्रशांत को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल प्रशांत ने बताया कि बच्चों के द्वारा की जा रही आतिशबाजी के दौरान घर पर आग की चिंगारी उड़कर गिर जाने के कारण पड़ोस के रिटायर दरोगा और उनके परिवार के लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बगल में बच्चा लोग फटक्का छोड़ रहा था सर, उसमें हम लोग को घर में घुस के बहन वहन को मारा भी है, सब गहना सब लूट के ले गया है। घर में बहन को इतना मार मारा हुआ है, फोड़े हुआ है, दो कत्ता हमको मारा, इससे पूरा खून लथपथ है, यही से तो कांड है। जबरदस्ती करते हैं, माँ बहन को गाली देते हैं, प्रशासन भी उसके साथ मिला हुआ है। कौन लोग हैं वो? नगर थाना में कल गए, केस नहीं लिए मेरा। कौन लोग हैं, नाम हम कुछ? उनका नाम है, कौन नाना है? नितेश्वर राय। नितेश्वर कहाँ के रहने वाले हैं? भटौलिया के नाले में, भरतुआ के। अति कर दिए दरोगा समझ के हमारी माँ को गाली देते हैं बराबर। कल रात जो घटना हुआ है वो जी, इसमें सब सोना चांदी सब लूट के ले गए। क्या कारण क्या था? फटक्का उड़ा रहा है बच्चा, रोड पर फटक्का नहीं उड़ा था, घर में फटक्का उड़ाएगा सर। अच्छा, इसी के कारण है सब। कत्ता निकाल के घर पे घुस गए 10 आदमी से, पूरे परिवार को भी मारे हैं। लेडीज सबको बराबर गाली देते हैं, मारते हैं, यही इनका हाल है। कल पकड़ लिए तो कत्ते से वार कर दिए सबको। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्राजी स्कूल। हम शहरवासियों के लिए हमारा तृप्ति परिवार बहुत ही छठ और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना पहले हम आपको देते हैं, और ये तृप्ति परिवार जो है आप लोगों के लिए विभिन्न तरह का व्यंजन दिवाली और छठ के उपलक्ष्य में लेकर आई है, जिसमें आपका मुख्य रूप से बिरयानी, वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी और तंदूर का आइटम, रोटी भी है, चिकन टिक्का भी है, पनीर टिक्का भी है, वेज वालों के लिए वेज की व्यवस्था है और नॉन वेज वालों के लिए नॉन वेज की व्यवस्था है। साउथ इंडियन हो गया आपका और बंगाली खाना है, चाइनीज है, सारा चीज़ आप लोग के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया। खास तौर पर आप लोग अपने फैमिली को लेकर आए हैं तो उसमें हम केबिन की व्यवस्था किए हैं ताकि आप लोगों को बैठने में कठिनाई नहीं हो, और यहाँ एसी की भी सुविधा है ताकि खाते हुए दिक्कत नहीं हो। बाहर की धूमधाम आवाज़ होती रहती है, गाड़ियाँ चलती रहती है, ये सारे समस्याओं को हम लोग लेकर नए रूप में तृप्ति परिवार आपके साथ आए हैं। दीपावली, छठ और गंगा स्नान के शुभ अवसर पर बोचहा के जनता मालिक के साथ साथ पूरे जिला और प्रदेश और केंद्र का सभी को मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ। माता रानी सबके घर में सुख समृद्धि दे, छठी मैया सबको घर में समृद्धि आए, हमारे क्षेत्र के जनता के साथ साथ। बोचहा विधायक बेबी कुमारी। स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज बनाने में समर्पित मानव अधिकार विकास केंद्र के द्वारा, मानवाधिकार विकास केंद्र की पूरी टीम के द्वारा दीपावली और लोक आस्था का महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप तमाम बिहारवासियों और भारतवासियों से आग्रह
आप लोग इस महापर्व को आपसी भाईचारे में बिताए और खुशियों में इस महापर्व को बिताए, क्योंकि बिहार का ये महापर्व है, पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व है। मैं सचिन गौरव कुमार सिंह मानवाधिकार विकास। मुजफ्फरपुर वासियों समेत समस्त देशवासियों को दीपावली एवं आस्था के महापर्व छठ की नारी सशक्तिकरण मंच की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम आशा एवं कामना करते हैं कि छठी माता का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे और सबके घर में खुशियां आए। और साथ ही साथ जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, हिंदुस्तान में रहना होगा तो महिलाओं का सम्मान करना ही होगा। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरेट। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरेट। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरएक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर वन स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57 अहियापुर मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018-2019. Class 11th का registration 1st June से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th board में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पाथ चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं।
हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, NEET और AIIMS जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। रथ रुक क्यों गया केशव? ओफ, ये पॉलीबैग। तनिक ठहरो पार्थ, जानते नहीं ये पॉलीबैग्स अमर है। पृथ्वी इसे नष्ट नहीं कर सकती, मिट्टी इसे गला नहीं सकती। ये तो युगों युगों तक इसी रूप में पृथ्वी पर पड़े रहेंगे। इसका कोई उपाय केशव? उपाय है पार्थ, मनुष्य को चाहिए कि वो पॉलीबैग्स त्याग कर कपड़े, जूट या कागज के थैले अपनाए, तभी पृथ्वी पर मानव एवं पर्यावरण दोनों का कल्याण होगा। आप धन्य है भगवान। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी में खुल गया है उत्तर बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा सभी प्रकार के रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर की सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ यहाँ बजाज तथा HDFC बैंक फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0% इंटरेस्ट पर उपलब्ध है। ब्लू स्टार की 75वीं वर्षगांठ और त्योहारों के मौसम में ब्लू स्टार वाटर प्यूरिफायर खरीदने पर सुनिश्चित उपहार पाएं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेस, अघोरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस
Our contact number is 9334900888, or you may dial 9234900888, or you can dial 9973246300. का एकमात्र एक्सक्लूसिव ब्लू स्टार शोरूम आपके शहर में 75वें वर्षगांठ पर इस त्योहारों के मौसम में सभी प्रोडक्ट्स पे सुनिश्चित उपहार दे रही है, तो एक बार जरूर पधारिए। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्राजी स्कूल। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बुधवार को दीपावली के साथ साथ नगर के कई स्थानों पर धूमधाम से मां काली की पूजा अर्चना की गई। इस पूजा में बंगाली समाज के लोगों ने खास तौर पर अपनी भागीदारी निभाई। कल कार्तिक अमावस्या तथा दीपावली पर ब्राह्मण टोली स्थित संगत स्कूल के प्रांगण मां काली की प्रतिमा को स्थापित किया गया। मां काली पूजा अर्चना के बाद मां को 56 भोग लगाए गए। पूजा के दौरान सैकड़ों भक्त शामिल हुए। आचार्य चंदन उपाध्याय ने बताया कि 2006 से मां काली पूजा वैदिक और तांत्रिक विधि विधान से होती आ रही है। पूजा हवन के उपरांत यहां 354 कन्याओं का पूजन किया गया। इसके बाद मुद्रा और पठन पाठन सामग्री देकर विदाई की गई। ये ब्राह्मण टोली स्थित काली पूजा परिवार है। यहाँ 2006 से माँ काली की भव्य रूप से पूजा की जाती है। शहर में दुर्गा की पूजा तो हर चौक चौराहे पे हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन भगवती काली की पूजा शहर में बहुत ही कम जगहों पर, गिने चुने जगहों पर होती है। लेकिन हम बता रहे हैं कि शहर में जहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ की पूजा सबसे अलग है। कहीं काली शमशान वासियों सवार उठा है, ये शव के ऊपर सवार होने वाली और शमशान में वास करने वाली है। शहर में और कहीं भी शमशान में जाके काली की पूजा नहीं होती है, लेकिन ये जो भूमि है इसमें बाबा फतेह चंद की जीवित समाधि है, ये महाशमशान के रूप में अपने आप प्रतीत होती है। जब यहाँ भगवती काली की पूजा होती है तो काली जागृत रूप में हो जाती है। माई हर व्यक्तियों की मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। यहाँ पे खुले मैदान में हजारों की संख्या में कन्याओं का पूजन हो जाता है, जो नारी शक्ति को भी दर्शाता है। कन्या के साथ बहुत सारे अत्याचार किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे खुले जगह पर कन्या पूजन करने का ये प्रतिभा, कन्या हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, ये लोग को दर्शाना पड़ता है। यहाँ पे माई सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। मनोकामना पूर्ण होते तो लोग माँ का खोज करते हैं, आकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ 2006 से लगातार भंडारे का भी आयोजन होता है। शुक्रवार को कैस समाज के लोगों द्वारा भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की जाएगी। नगर के कई स्थानों पर चित्रगुप्त पूजा की तैयारी अंतिम चरण में है। कल होने वाले भगवान चित्रगुप्त पूजा की तैयारी को लेकर छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन में तैयारी जोरों से चल रही है। यहां पूजा को लेकर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है तथा विभिन्न पकवान भी बनाए जा रहे हैं। चित्रगुप्त एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि कल यहां चित्रगुप्त पूजा की तैयारी की जा रही है और पूजा के दौरान भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। इस बार 89th चित्रगुप्त पूजा चित्रगुप्त एसोसिएशन परिसर में मनाया जा रहा है, उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। कल 10 बजे से पूजनोत्सव है, 1 बजे से 7 बजे शाम तक प्रसाद वितरण है और परसों 1:30 बजे से भोज का आयोजन है। अपनी मांगों को लेकर बेमियादी धरना आंदोलन चला रहे ग्रामीण आवास कर्मी संघ के सदस्यों ने बुधवार को दीपावली के दिन भी धरना पर बैठे रहे तथा समरणालय के धरना स्थल पर ही दीप जलाकर दीपावली मनाई। जहां कल पूरे जिलेवासी अपने अपने घरों में दीपावली का पर्व मना रहे थे, वहीं समरणालय में 15 दिनों से धरना पर बैठे आवास कर्मियों ने धरना स्थल पर ही दीप जलाकर दीपावली मनाई और सरकार तथा जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक तरफ सारी दुनिया दीपावली की खुशी मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ अपने हक के लिए ये आवास कर्मी अपने परिवार से दूर धरना दे रहे थे और इनकी आंखों में यह दर्द साफ झलक रहा था। दरअसल आवास कर्मी के 234 कर्मचारियों को महज 2 दिन पूर्व ही जिला प्रशासन द्वारा सेवा समाप्त कर दी गई थी। इससे पहले ये आवास कर्मी वेतन वृद्धि और हटाए गए कर्मचारियों की पुनः बहाली की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। आवास कर्मी ने बताया कि अब तक हम लोगों की मांग को पूरा नहीं किया गया है, बल्कि 234 कर्मचारियों को हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग आज धरना स्थल पर ही दीपावली मनाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिवाली के दिन भी हम सभी आवास कर्मियों के घर में अंधेरा छाया हुआ है, तो हम लोगों के लिए क्या दिवाली और क्या पर्व
हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है। हम लोग पिछले 25 अक्टूबर से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। ये सूचना दे के सांकेतिक हड़ताल के रूप में या और भी पहले जो वार्ता हुई थी वादा खिलाफी के रूप में प्रदेश स्तरीय आह्वान पे बिहार राज्य आवास कर्मी संघ के तरफ से और विभाग को और जिला प्रशासन को भी, फिर भी हम लोगों के साथ कभी कोई सुध नहीं ली गई, वार्ता नहीं की गई। जबकि कल हमने टीवी पे देखा कि डीएम सर के द्वारा कहा जा रहा है कि वार्ता की गई, समझाई गई, जो कि एक छलावा है, कहीं से इसमें सच्चाई नहीं है कि हम लोगों को बुला के कभी समझाया गया कि हाँ भाई आप लोग क्यों हड़ताल पे हैं, या कार्य की महत्ता को समझिए, या हम आप लोगों की बात को विभाग में पटना सचिवालय में रखेंगे। और फिर भी ये आरोप लगाते हुए कि ये लोग मनमानी किए और बताने पर भी वापस नहीं गए और संविदा रद्द कर दी गई, जो कि ये कहाँ का न्याय है। अपनी मांग को भी कोई नहीं रख सकता है सही ढंग से, और हम लोग क्या अन्याय किए हैं। अन्य जिले भी हैं इसमें सम्मिलित, फिर भी हमारे माननीय डीएम सर का क्या रुख है अपने बच्चे समान या अपने अधीनस्थ कर्मियों पे, ये जगजाहिर हो रहा है इससे। निषाद विकास मंच के संस्थापक और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दादर स्थित वीरेंद्र सहनी के आवास पर आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष निषाद विकास मंच के संस्थापक सनक मल्लाह मुकेश सहनी गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे तथा दादर स्थित वीरेंद्र सहनी के आवास पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर मुकेश सहनी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश के जिले में वीआईपी पार्टी को मजबूत कर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। आज का देखिए संवाद यात्रा पे हम निकले हैं, खास करके हमारे जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सहनी जी को पिछले 2-3 महीना पहले एक सावंतवादी विचारधारा वाले व्यक्ति लोग मिलकर साजिश कर और हमारे अध्यक्ष जी को किसी हत्या के जुर्म में फंसा दिया गया, जो जिसके कारण हम लोगों को काफी तकलीफ हुआ। और आज सच सामने आकर आज हमारे अध्यक्ष जी बाहर आए हैं, तो उनको स्वागत करने के लिए, उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही जो हमारे पार्टी है उसको विस्तार करने के लिए पूरे बिहार में जनसंपर्क अभियान हम लोग चालू किए, उसके लिए आज हम लोग मुजफ्फरपुर पहुंचे। अभी कल ही थोड़ी देर के बाद पटना पहुंचेंगे। कल हमारी कोर कमेटी का मीटिंग है और हमारी पार्टी जो बना है, और खास करके मुजफ्फरपुर के जो निषाद बंधु है, जो भरपूर उनका सहयोग रहा, जो पटना के गांधी मैदान में बिहार के 71 साल के हिस्ट्री में इतिहास हमने रच दिया, जो आज तक किसी ने कोई भी जाति ने इतना बड़ा रैली कभी नहीं किया, इसके लिए हम लोगों ने 10 लाख का इनाम भी रख दिया कि कोई बता दे कि एक जाति द्वारा पटना के गांधी मैदान में इससे बड़ा रैली कभी हुआ होगा, उसको 10 लाख का इनाम देंगे। तो आज हम लोगों ने जो इतिहास बनाया उसमें खास करके मुजफ्फरपुर के हमारे तमाम निषाद बंधु का भरपूर सहयोग रहा। इसी तरीके से हर जिला में घूमकर हम अपने समाज के लोगों को बधाई दे रहे हैं कि आपने 71 साल में जो काम किसी अन्य जाति के लोग ने किया वो काम आप लोगों ने किया, और आने वाले समय में जो निषाद विकास संघ के द्वारा जो वीआईपी पार्टी का जो घोषणा हुआ, जो विकासशील इंसान पार्टी, वो आने वाले समय में 40 से 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ाएगा, उसके लिए मजबूती से पूरे बिहार में हम लोग संघर्ष करेंगे और अपने आने वाले समय में लोकसभा 19 में 40 में चुनाव लड़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सीट जिताकर दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजेंगे, ताकि निषाद समाज का हक अधिकार जो वंचित है जो आरक्षण से। आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।